चलो। अजीज दोस्तों, ये एक बेमिसाल शादी साबित होगी। शानदार होगी। शादी का सबसे कीमती तोहफा उस्मान का सर होगा। सिर्फ उस्मान का ही नहीं, बल्कि पूरे खानदान का सर आएगा। मेरी बेटी होलोफेरा और बिलेजिक के किलेदार जोस्तानियों की शादी हो रही है। उस्मान और उसके खानदान की मौत इस शादी का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगी। सिर्फ उस्मान ही नहीं, गुंदूस, तुर्कुत, उनकी औरतें, बच्चे, बूढ़े और छोटे, सब के सब मरेंगे, सब के सब। इस कत्लेआम से सिर्फ एक शख्स बचेगा, वो है बारकन। बारकन? तुम्हें बारकन पर भरोसा है? मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें कोशिश पर भरोसा है? कोसिस मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और मैं तवील अरसा कबल ही ये बात समझ चुका हूं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या सोच रहे हो? क्या करना है? कोसिस तवील अरसे से उस्मान से नहीं मिला, मगर वो अंदर से उस्मान को पसंद करता है, यानी मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है उससे, और इस बात को हम संजीदा लेने पर मजबूर हैं। और इसीलिए जंग के खात्मे के लिए इब्तिदा से कबल ही जरा सी कीमत चुकानी होगी, यानी कि शादी से थोड़ा पहले कोसिस को मरना पड़ेगा। काफले के रहबर, सफर अब तमाम हुआ? नहीं, हमारा सफर एनागोल में तमाम होगा। अच्छा, तो ये बात है। सुलह जारी है और उसका इतलाक हम सब पर होता है। अगर अपनी जानों की जरा सी भी परवाह है तो रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी जाने और तुम्हारा माल अब से हमारी मुट्ठी में है। जंग से हल होने वाले मौजू पर बातचीत करके वक्त जाया नहीं करूँगा। चलो सिपाहियों, तुर्कमानों का खून बहाए बड़ा वक्त गुजर चुका है, टूट पड़ो इन पर। छोड़कर कहां भाग रहे थे? हाँ, तुम तुर्कों को मारने के लिए हथियार ले जा रहे थे, यानी मुआहिदा तोड़ना था। सही कहा ना? बताओ, अब पनाह लेने की वाहिद जगह मेरा गजब है तुम्हारे लिए। मार डालो मुझे, मार डालो। ओह, जिंदा रहोगे। और निकोला को जाके
काफिले पर मेरे हमले का बताओगे। अगर से वो बहाना बनाए मुआहिदा तोड़ने का तो उस वक्त उससे कहना कि ये हथियार उसके खिलाफ बहुत अच्छा सबूत है, और अगर हिम्मत है तो आए सामने। चलो जाओ। वालिदा, हमारे कबीले और सौत के लोगों में खाना तकसीम किया गया है, राशन भी तकसीम किया गया है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। शुक्र है कि उस्मान साहब की रियाया में कोई भूखा नहीं रहा। ऐसा ही रहेगा। क्या फरमाया है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो हम में से नहीं जो पेट भर के सोए और हमसाया फाका करे। अल्लाह हमें भी ईमान वालों में शामिल करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। रिस्क तकसीम करने से बढ़ेगा और बरकत वाला होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम लोगों को ऐसे देख लिया, अब इत्मीनान से मर सकती हूँ। जानती हूँ कि हमारा कबीला बहादुर काई खवातीन के हाथों में है। वालिदा, देखें तो जरा। जैसा आपने कहा था वैसा ही है ना? आह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। खुश रहो, सलामत रहो मेरी बेटी। शुक्रिया वालिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नहीं, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का है। कम नहीं ज्यादा होगा, ऐबदार नहीं बेऐब होगा। आमीन। ये लो बेटी, संभालो। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे वालिदा। हमारा आटा भी अच्छा गुन गया, अब अफ्तारी में रोटियां भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। चले बिस्मिल्लाह। सोत में भी खाना तकसीम किया गया है। हाँ, सोत में भी खाना तकसीम किया गया है, और वालिदा इफ्तार के वक्त सबको इफ्तारी भी पेश की जाएगी इंशाल्लाह। सलामत रहो मेरी बच्ची। खुदाबंद आप ही बचाएं। Hook!
हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मदद करना चाहते हैं आपकी। हमें चलना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। कहाँ से आ गए ये लोग? चलो। आओ, जल्दी से यहाँ छुप जाओ। कहाँ गए ये लोग? उन्हें तलाश के बगैर नहीं जा सकते। फैल जाओ। चले गए। इस तरफ से आओ। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो कुन कहे तो हो जाता है, वो जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उसी जात के 99 नामों से इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई साल गुजर चुके हैं, एक अरसे से हमारी कोई जंग नहीं हुई, हम अगर ये पूरा वक्त हम इतना खामोश भी नहीं बैठे। कबीले की तरक्की हुई, सोत ने तरक्की की और हमारे लश्कर मजबूत हुए और तलवारें पहले से ज्यादा तेज धार हैं। सिर्फ हमने ही आपके अहकामात पर अमल नहीं किए, तैकफूरों ने भी किए हैं, वो ताकतवर हो गए। सुना है निकोला देहातों में सिपाही भेज रहा है। काफले मुसलसल जा रहे हैं, तलवारें फरोख्त करने वाले सिपाहियों को कले बुलाया जा रहा है। उस्मान साहब, जंग का वक्त करीब है। दुआ है कि सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। मुजाहिद लड़ने से घबराता नहीं है। अब आप लोग बताएं, क्या आप ताकतवर नहीं हुए? सुलह की वजह से आपकी तिजारत में तरक्की नहीं हुई? यानी कि नहीं हुई, तो फिर बारकन साहब को देखें जरा। इनके कबीले का खजाना हम सबसे ज्यादा है, देखो ताकि कुछ सीख सको इनसे। माशाल्लाह बारकन साहब, माशाल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह तुर्गु साहब, हमारी जान और माल तुर्कमानों के मुस्तकबिल पर फिदा है। ए शुक्रिया। जा रहे हो तुम? देखो जरा, तो तुर्कमान बच्चे। हट जाओ हमारे रास्ते से।
तुमसे कोई काम भी नहीं। लेकिन ये जो खातून तुम्हारे साथ है, ये हमारे साथ जाएगी, सुन लिया? शर्म नहीं आती? इतने लोग एक छोटी लड़की का पीछा कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? लड़की आपके साथ नहीं जाना चाहती, ये हमारे साथ कबीले जाएगी। तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये बेवकूफी नहीं करो। क्या तुम्हारा ये आखिरी तीर तुम्हें बचाएगा? तुम्हें इस जंगल में ही दफन कर दूंगा। हमला करो। चुके, अब मुझे उन लोगों के साथ जाने दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं मैं तुम्हें, शुक्र है अल्लाह का। जीते रहिए भाई संगूर। भाई संगूर, सही वक्त पर पहुंचे हैं आप, अल्लाह सलामत रखे। मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं, देख लिया क्या हुआ नतीजा। अल्लाह न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कहता मैं हुजूर से, बताओ जरा। आप साथ थे ना हमारे। शुक्र है उसका। तुम्हारा नाम क्या है? उन सिपाहियों से क्यों भाग रही थी? यहाँ खड़े खड़े क्यों सवाल जवाब कर रहे हो इससे? इसे सांस तो लेने दो। ताकुब करने वाले कलादार के सिपाही थे, बाबा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आप जानते तो हैं, सुलह चल रही है उनके दरमियान।
चलो चले, बाकी बातें कबीले पहुंच कर लेंगे, ये जगह महफूज नहीं। सिपाहियों घोड़े तैयार करो, चलो। बहता हुआ पानी रुक सकता है लेकिन दुश्मन कभी नहीं रुकता। वो हमेशा तैयार रहता है। आपके हुक्म पर सालों से कई जगह बाजार कायम किए हैं, तिजारत फल फूल रही है, और अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाती है तो हम उन बाजारों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। सुलह का मुआहदा जारी है अभी तक। वैसे भी मुआहदे के जरिए निजाम और बाजारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, परेशान नहीं हो। बाजारों की हिफाजत हम तलवारों से नहीं, सुलह के जरिए ही हम यकीनी बनाएंगे। मरकन साहब बताइए जरा, सिपाहियों की तादाद क्या है? अक्षय दरवेश के मुताबिक अगर हम पे हमला होता है तो क्या हमारे बाजारों की हिफाजत के लिए सिपाही काफी नहीं होंगे? जांबाज बहुत है जनाब, मगर जंग की मश्क नहीं की है, कहीं तलवारें मियानों में ही जंगालूद ना हो जाएं। ना तो तलवारें हमारी जंगालूद होंगी और ना ही जान देगा कोई। सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दीजिए, हरदम तैयार, फौलाद की तरह होने चाहिए। सरदारान सिर्फ बारकन साहब के ही नहीं, हर किसी के सिपाही तैयार रहने चाहिए। अगर सुलह में ज्यादा पसीना बहाया जाए तो जंग में खून कम बहता है। सिर्फ कबीले के मर्द ही नहीं, अपनी खवातीन को भी तैयार किया जाए। अगर तो आप लोगों के बकौल जंग होती है तो हर किसी को तैयार होना चाहिए। हम अगर फिलहाल तो हमारा सुलह का मुआहदा जारी है, और हम अहद तोड़ने वालों में से नहीं होंगे। आए कबीले, बच्चों की गैर मौजूदगी से कितनी खामोशी छा गई। अम्मा कम ही वक्त रह गया है, अब बैलेजिक सामान भेजकर हम सब मिलकर पहाड़ों की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ, अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए वापस? मैंने नहीं देखा बाला, बच्चे आएंगे तो पता चल जाएगा। तुमने देखा है गुल? वो उस्मान साहब के साथ शिकार और तरबियत के लिए गए हैं। जब भी ओरहान और अलाउद्दीन को देखती हूँ मैं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। आग तैमूर की याद सताती है, दिल में तकलीफ होती है वालिदा। सबर मेरी बेटी सबर। तो कब तक आएगा वो, उसका कुछ पता चला? कुछ पता नहीं बाला, मैंने उसे पैगाम भी भेजा था कि अभी आ जाए, जवाब नहीं आया। इतने साल गुजर गए हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तुम्हारा इम्तिहान बहुत मुश्किल है बहन, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आमीन इंशाल्लाह, आमीन। ओरहान और अलाउद्दीन है? देखे वालिदा, इनके साथ खातून भी है एक।
कहते हैं दादा की छवि बच्चे में नजर आती है। वाह, और हान ने अभी से बड़ा शिकार कर लिया। हाँ बेटा, ठीक हो तुम? जी हाँ वालिदा। क्या हुआ तुम्हें? सब कुछ ठीक है ना? बेटा, ये मेहमान कौन है? वजाहत करो बेटा, तुम मश्क करने के लिए अपने वालिद के साथ नहीं थे? गए थे, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं, शिकार पर। और वहाँ इस लड़की को भागते हुए देखा हमने। मदद की हमने इसकी। खुश आमदीद बेटी। मलहून, बच्चे जरा आराम कर ले, फिर उनकी कारगुजारी सुनेंगे। शाबाश, चलो खेमों में, लड़के को भी ले जाओ। चलो। शाबाश बेटे, चलो चले। खुशामदीद, आ जाओ, चलो आओ। भाई संगूर, बताओ हमें ऐसा कैसे हुआ? हम लोग जंगल में खरगोश शिकार करने गए थे। कुछ लोग बच्ची का ताकुब कर रहे थे, हमने उन पर तीरों की बारिश कर दी। जनाब, हॉलोफेरा भाग गई है, नहीं ढूंढ सके।